हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल वॉर्म फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का, जो कि जेई कप 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द उसका सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है ए अरिस्टोटल, बी परकिंजे, सी वॉन मॉल या डी लेमार्क एंड ट्रेविन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क एंड ट्रेविन्स। नेक्स्ट है, नन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज नन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल, रॉबिन्स, लेमार्क या परकिंजे। तो आप लोग कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा, हु इज नन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए इसका मैं राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बोटेनी? और आपको ऑप्शन है ए थियोफ्रेस्टस, बी लिनस, सी ट्रेवरेनस या डी प्लिनी द एल्डर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को ही फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिकल साइंस? मेडिकल साइंस के जनक किन्हें कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को ही फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा गया है। नेक्स्ट है, हु इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ द वर्ड बोटेनी? पूछा गया कि जो बोटेनी शब्द है वो कहां से लाया गया है, कहां से उसका ओरिजिन माना गया है, फ्रेंच से, लैटिन से या पोर्टुगीज से या ग्रीक से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक से। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरियम? जो हिस्टोरिया प्लांटेरियम नाम का जो बुक है उसका ऑथर कौन, उसके लेखक कौन है? आपको ऑप्शन है अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेट्स, ड्रॉविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्टोरिया एनिमिलियम? जो हिस्टोरिया एनिमिलियम बुक है उसका ऑथर कौन है आपको ये बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल। नेक्स्ट है, हुज ओथ इज गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल साइंस? जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें किनका ओथ दिया मतलब शपथ लिया जाता है, उन्हें दिया जाता है? ऑप्शन है ए अरिस्टोटल, बी थियोफ्रेस्टस, सी ड्रॉविन या डी हिपोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट है, द साइंस विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड? तो साइंस को हम क्या कहते हैं जो लिविंग बींग के स्टडी से रिलेटेड होता है? आपको ऑप्शन है ए फिजिक्स, बी मैथमेटिक्स, सी केमिस्ट्री या डी बायोलॉजी। तो आप लोग कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टडीड इन साइकोलॉजी? हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आपको ये बताना है, किसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी के अंदर? एल्गी, फंगी, इकोलॉजी या वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्गी। नेक्स्ट है, एनवायरमेंट इज स्टडीड अंडर विच लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी बायोलॉजी के अंदर हम एनवायरमेंट को किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी इकोलॉजी या डी टैक्सोनॉमी। मतलब बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम एनवायरमेंट को पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंस ऑफ फ्लावर कल्टीवेशन कॉल्ड? जो फ्लावर कल्टीवेशन का साइंस है उस साइंस को हम क्या कहते हैं? और आपको ऑप्शन है ए हेनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी, डी बोटेनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू? डेंड्रोलॉजी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? आपको ऑप्शन है ए फ्रॉम द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, बी बाय स्टडिंग ट्रीज, सी फ्रॉम द स्टडी ऑफ वशेस या डी बी एंड सी बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ। मतलब इसमें बी भी आएगा और सी भी, बाय स्टडिंग ट्रीज एंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ विशेस। अगला सवाल है दोस्तों, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड? जो फूल जो होते हैं उनके स्टडी अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन ए एंथोलॉजी, बी एगिस्टेरोलॉजी, सी
फेनोलॉजी या डी पैलिनोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला फॉसिल्स आर स्टडीड इन बॉटनी, फॉसिल्स आर स्टडीड इन बॉटनी, और आपको ऑप्शन ए ऑफ बोन्स, बी फॉसिल्स, सी प्रीमेट्स या डी वर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फॉसिल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू प्लांट कल्टीवेशन कॉल्ड, मतलब साइंस उस ब्रांच को क्या कहते हैं जो कि प्लांट कल्टीवेशन से रिलेटेड होता है, आपको ये बताना दोस्तों। तो आपको ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलियरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, हम उस बायोलॉजी के उस ब्रांच को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। और ऑप्शन है प्लांट जियोग्राफी, बी इकोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, डी जेनेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द ब्रांच ऑफ बोटेनी इन विच एल्गी आर स्टडीड इज कॉल्ड, मतलब आपको बताना है कि बोटेनिक उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी माइकोलॉजी, सी फिकोलॉजी या डी टैक्सोनॉमी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिकोलॉजी। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ बोटेनिकल साइंस विच डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करता है आपको ये बताना है, कल्टीवेशन ऑफ एल्गी या बी फॉरेस्ट डेवलपमेंट या सी सिलिसिफाइड प्लांट्स या डी कल्चरिंग ऑफ फंगी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टडीड इन स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, किनके बारे में अध्ययन करते हैं आपको ये बताना दोस्तों। और आपको ऑप्शन है ए सीड्स, बी लीफ, सी फ्रूट या डी पॉलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीड्स, स्पर्मोलॉजी में हम सीड्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टडीड इन एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, ऑयल सीड्स के बारे में या क्रॉप के बारे में या फिर ग्रास के बारे में या फिर फ्रूट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रास, एग्रोलॉजी एग्रोस्ट्रोलॉजी में हम ग्रास के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी इज स्टडीड इन, पेडोलॉजी इज स्टडीड इन, ऑप्शन ए प्लांट डिजीज, बी लैंड, सी पॉल्यूशन या डी फ्रॉग। तो आपको बताने में से सही आंसर कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बोटेनिकल साइंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, हम उन्हें क्या कहते हैं जो हमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, जियोबोटनी, सेरिकल्चर, जेनेटिक्स या इवोल्यूशन। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कभी ना कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीनेटिक, जीनेटिक कहते हैं दोस्तों जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे उसे जीनेटिक कहते हैं उस ब्रांच को। हमारा अगला क्वेश्चन है द साइंस डेट गिव्स नेम्स टू प्लांट्स इज कॉल्ड, मतलब जो हम प्लांट का नाम रखते हैं, प्लांट को जिस आधार पर नाम देते हैं, तो उस साइंस को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन है ए क्लासिफिकेशन, बी आइडेंटिफिकेशन, या सी नोमेनक्लेचर या डी टैक्सोनोमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टैक्सोनोमी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड, जो पॉलिन ग्रेन के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी या सी फिकोलॉजी या डी माइकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन को। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, और आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो जो फाइटो जियोग्राफी या फिर फॉरेस्ट्री या सी है एक्सोबायोलॉजी या डी इथोनोबोटनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट है
द स्टडी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, वैसे प्लांट को क्या कहते हैं जो वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं? आपको ये बताना है, वैसे प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं जो वेजिटेबल भी प्रोड्यूस करते हैं? और आपका ऑप्शन है ए एलेरीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर या डी पिसीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलेरीकल्चर। हमारा अगला सवाल है, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी या डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड शर्ब्स इज कॉल्ड। हम वैसे जो पेड़ होते हैं, जो ऑर्नामेंटल ट्रीज होते हैं, शर्ब्स होते हैं, तो उनके जो कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए एग्रोनॉमी, बी ऑलियरिकल्चर, सी अर्बोरिकल्चर या डी सिल्वीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्बोरिकल्चर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।